मांधाता विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किल्लोद में सभा को संबोधित किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 15 महीनों के कार्यकाल को जनता के सामने रखते हुए खुद को नंगा भूखा बताने पर कमलनाथ को सेठ और बंगाल का जादूगर बताया। उन्होंने कहा कि किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ नहीं हुआ है, कर्ज माफी के इंतजार में किसान डिफॉल्टर हो गए, कई किसानों को तो प्रमाण पत्र बांट दिए गए। उन्होंने कहा कि 15 महीने से सेठ कमलनाथ ने क्या किया, कमलनाथ ब्याज की गठरी सिर पर रख कर गया है, लेकिन अब मामा आ गया है, हम इस गठरी का बोझ किसानों के सिर से उतारेंगे। कमलनाथ ने योजनाएं बंद कर दी, अब किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कमलनाथ ने तो संबल योजना बंद कर गरीबों के कफन के 5,000 भी छीन लिए। शिवराज ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ही आएगा, दाना डालेगा, दारू लाएगा, पैसा बांटेगा, लेकिन अब आपको फंसना नहीं है, मामा को मुख्यमंत्री बनाने में कोई कसर मत छोड़ना। कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर शिवराज ने कहा कि अब वह महिला प्रत्याशी को आइटम कह रहे हैं। जब उनके पार्टी के मुखिया ने माफी मांगने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, जनपद अध्यक्ष पंकज सिंह पटेल, प्रत्याशी नारायण पटेल, नारायण तोमर मौजूद थे। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। कोई कसर नहीं छोड़ेगा। नंद भैया आपके सांसद हैं, नारायण आपके विधायक होंगे, लेकिन नरेंद्र तोमर भी साथ रहेंगे, ये पूरी टीम भाजपा की साथ रहेगी। और कमल पटेल ने तो गोदेज ले लिया है, बोनस में कमल पटेल भी आपको मिले। आइए मेरे जानो भाइयों, आज संकल्प लेंगे, संकल्प चाहे कुछ हो जाए, एक एक वोट कमल के फूल के बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी ने विकास विरोधी नीति और कांग्रेस में उनको लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है कि कांग्रेस में रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों से है। हम तो विकास और जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं। आप पे आरोप लगा रहा है कमलनाथ की अच्छा गाने सजी कर रहे हैं। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि हर 50 हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।